लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल की। खबर जनपद रायबरेली के सरिनी थाना क्षेत्र से है, जहां बिजली के तार आपस में टकराने से स्पार्किंग होने पर लगभग 20 बीघा फसल जलकर राख हो गई। सोमवार को बिजली के तारों में हुई स्पार्किंग से खेत में खड़ी फसल जल गई। किसानों ने जब तक फायर ब्रिगेड को सूचना देकर लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया, तब तक 20 बीघा गेहूं की फसल जल चुकी। सरिनी थाना के कहिंजर गांव में किसान श्याम प्रताप सिंह के खेत में 8 बीघा, अवधेश प्रताप सिंह 6 बीघा, अनिरुद्ध सिंह की 3 बीघा, 1 बीघा भोले कुमार और 2 बीघा धीराज कुशवाहा की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सुबह 11 बजे के समय तेज हवा से खेत के ऊपर से निकले बिजली के तारों में टकराव के कारण चिंगारी निकलने लगी। तारों से निकली चिंगारी से देखते ही देखते गेहूं की फसल भयावह रूप से आग जलने लगी। खेत से उठती लपटें देख आसपास के किसान शोर मचाते हुए पानी का इंतजाम कर आग बुझाने में जुट गए। किसानों को शंका थी कि कहीं आग ने और विकराल रूप लिया तो उनकी फसलों को भी नुकसान होगा। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और गांव के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। रायबरेली से संवाददाता शुभम तिवारी की रिपोर्ट।